सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। ज्यादा बातें करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। आज का पंचांग 30 मई 2022 दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि, शाम 5 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 7:12 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:24 से 9:04 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी वृषभ राशि पर ही रहेंगे। आप सभी को शनि जयंती, वट सावित्री व्रत और अमावस्या की शुभकामनाएं। सिंह राशि 30 मई 2022 दिन सोमवार, आज स्वयं को भौतिक चीजों के मुंह में फंसा हुआ अनुभव करेंगे, लेकिन किसी भी वस्तु को इतना कसकर ना पकड़ें, बहाव के साथ बहना ही उपयुक्त है। सहज बने रहें, जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाते अपना नजरिया दृढ़ ही रखें। दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकती हैं। इस बारे में दोस्तों और सहकर्मियों से बात करना सही रहेगा। आज भाग्य आपके पक्ष में है, लाभ के नए मार्ग बनेंगे। लंबे समय से चली आ रही कोई चिंता समाप्त होगी जिससे मानसिक शांति रहेगी। आर्थिक मामलों में ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय भी सफल रहेंगे। जितनी तेजी से आज बातें आगे बढ़ रही है उतनी ही तेजी से खुद में बदलाव करने की संभावना है। आपके द्वारा लिया गया निर्णय अन्य लोगों के विचार से कई बातों में अलग रहने की वजह से लोग आपके पक्ष को समझ नहीं पाएंगे। लोगों को समझाने की कोशिश करनी होगी। जिस प्रकार की प्रगति आप चाहते हैं लोगों के साथ से प्राप्त हो सकती है। पार्टनर के लिए खोया हुआ आकर्षण फिर से महसूस होने लगेगा। शारीरिक समस्या को नजरअंदाज ना करें, छोटी समस्या आगे चलकर बढ़ सकती है। सावधानियां, उस समय बच्चे और पारिवारिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें। अपने विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। छोटी सी बात पर ही किसी से कहा सुनी व बोलचाल हो सकती है, इसलिए अपने स्वभाव को संयमित रखना आवश्यक है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच व्यवस्था को लेकर कुछ कहा सुनी रह सकती हैं, परंतु सहज तरीके से आपस में बैठकर मामला सुलझाने से संबंध पुनः ठीक हो जाएंगे। आज आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए काफी धीरज से काम लेना होगा। अगर शांति बनाए रखनी है तो सोच समझकर बोलें। छोटी मोटी कहा सुनी भी गंभीर रूप धारण कर सकती है, हालांकि ऐसा कभी कभार ही होता है। इसे अधिक तुलना दें, अगर देंगे तो जीवन की किसी अच्छी चीज को खो देंगे। आज चुप्पी साधना सबसे बेहतर रहेगा। बात करते हैं करियर की। आज आपका ध्यान कहीं भटक सकता है और आपको लगेगा कि आप अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप आप अपने कार्यों में पीछे रह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान है कि आप कार्य से एक दिन अवकाश लें और बाहरी गतिविधियों में दिन बिताएं। यह आपको ऊर्जा से भरेगा और अपने उत्साह के साथ अपने लंबित कार्यों को निपटाने में सक्षम हो जाएंगे। व्यवसाय गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी, आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित फल भी मिलेंगे। कमीशन संबंधित व्यवसाय नाश की स्थिति में रहेंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबदबा बना रहेगा। बात करते हैं सेहत की। तनाव की वजह से थकान और कमजोरी महसूस होगी। कुछ समय मेडिटेशन में भी व्यतीत करें। आप पूरे मन से सुंदर और फिट दिखना चाहते हैं, हालांकि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक पार्टनर की सहायता जरूरी है।
एक बार अपनी डाइट की समीक्षा दोबारा कर लें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जिसे खाने से आपको एलर्जी हो जाए। सलाहों का पालन कम और वर्कआउट अधिक करें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।